तो पहले दौर के चुनाव प्रचार का अंतिम युद्ध अभी भी जारी है। रणभूमि से सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। नोएडा के बाद आपको दिखाते हैं मेरठ के हस्तिनापुर का माहौल क्या है। रुक करते हैं हम सीधा मेरठ में मौजूद हमारे संवाददाता सनुज शर्मा का। प्रथम दौर के अंतिम प्रचार युद्ध में तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिनेश खट्टर जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। दिनेश जी ये बताइए, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जितनी ताकत झोंकी आज कैसा लग रहा है? ताकत जनता की ताकत है, जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, बहुत जबरदस्त स्वागत हो रहा है यहाँ तो। स्वागत तो पूरे प्रदेश में सारे प्रत्याशियों का स्वागत जबरदस्त है, हस्तिनापुर विधानसभा में उससे भी अधिक है। कितने दिनों से आप लगातार ताकत झोंक रहे हैं, अब क्या लग रहा है, चुनावी परिणाम किस तरीके के लग रहे हैं आज की बात करें? स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। मुकाबला किसी से? मुकाबला किसी से नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुका है। सबका साथ सबका विकास, मोदी योगी जिंदाबाद। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को कि जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो राशन वितरण के हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों के लिए हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या पिछड़े हो या आंकड़े हो, सब लोगों के लिए वो योजनाओं का लाभ मिला है और जनता को उसका सीधा लाभ मिला है। और आज योगी और मोदी को लोग भगवान के रूप में देखने लगे हैं। आम जन मानस ये मान चुका है कि इस देश को और उत्तर प्रदेश को आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ही बचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हस्तिनापुर।